तो चलिए इसी बीच हमें व्हाट्सएप पे काफी सवाल आ रहे हैं, वहां से सवाल ले लेते हैं। कुणाल जी, आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। पंकज का सवाल है, दरअसल ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी खरीदारी देखे तो 173 के भाव से होल्ड कर रहे हैं 800 शेयर। अगर यहाँ पे हम चार्ट पे भी देखें तो 173 से देखें तो नीचे की तरफ कुछ 25% गिरता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक, और ऑलमोस्ट ये न्यू लो बनाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग हुई है। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो कैसा नजर आ रहा है स्टॉक? कुणाल जी आपसे बजाज हाउसिंग की बात करें, नो डाउट 173 की खरीदारी है उनकी एंड अच्छी खासी क्वांटिटी उन्होंने जमा करके रखी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म का नजरिया जरूर बताऊंगा। जो स्टॉक है 128 के अराउंड है फिलहाल, आप आपकी जो पोजिशन है उसको होल्ड करके रख चलिए। आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा और करेक्शन बढ़ सकता है 110 तक, अगर 110 तक आते हैं तो वहां पे आप एवरेज करके चल सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक की बात करूं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्टॉक आपको 160 और 160 जैसे ही क्रॉस करेगा मिनिमम आपको 180 तक के भाव दिखा सकता है, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये स्टॉक 250 के ऊपर जाने का भी सक्षम है। तो मेरा नजरिया यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करके चलने का बन रहा है, और अगर 110 आता है तो आप वहां पे भी एवरेज करके चल सकते हो। ऑलराइट, चलिए कुणाल एक और सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए, रोशन का आ रहा है।